मैं जानता हूं आज आप में से बहुत सारे लोगों को अपने पोर्टफोलियो में लॉस दिखाई दे रहा होगा। खैर मुझे लॉस नहीं हुआ है क्योंकि मेरा एक जो स्टॉक था उसने अच्छा परफॉर्म किया, जिस वजह से ओवरऑल मेरा पोर्टफोलियो आज प्रॉफिट में है। लेकिन ज्यादातर लोगों को आज लॉस दिख रहा होगा, जिसके पीछे का रीजन है कि जो निफ्टी है वो आज लगभग 300 पॉइंट डाउन है। परसेंटेज की टर्म्स में देखें तो 1.17%। सेंसेक्स भी लगभग 950 पॉइंट्स डाउन है और बैंक निफ्टी भी 850 पॉइंट के आसपास डाउन हो रखा है। बट ये मार्केट गिरने के पीछे मेन रीजन क्या है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला रीजन जिसकी वजह से मार्केट आज गिरा हो सकता है वो ये है कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वैसे तो हम एक पीस लविंग कंट्री हैं, लेकिन जैसे हालात रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहे हैं, हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में चल रहे हैं, और इसके अलावा इसराइल और हमास के बीच में जिस तरीके के वॉर चल रहे हैं, ऐसे में हमारी जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज हैं उन्हें अपनी नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर नजर रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और पीस को बनाए रखने के लिए कुछ भी अनएक्सपेक्टेड, यानी यहाँ पर वो वॉर की बात कर रहे थे, उसके लिए रेडी रहने की जरूरत है। लेकिन आज जैसी वैश्विक परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए मैंने यही सारे अपने आर्मी कमांडर्स को मैंने कहा था कि विश्व में शांति की स्थापना के लिए और स्वयं भारत में भी शांति की स्थापना के लिए सदैव हम लोगों को युद्ध के लिए तत्पर रहना चाहिए। अब देखिए, ये जो बात उन्होंने कही थी, वैसे तो ये डिफेंस फोर्सेस को समझाने के लिए कहा गया था, लेकिन देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जिसमें देश के डिफेंस मिनिस्टर अगर कह रहे हैं कि आपको वॉर के लिए रेडी रहने की जरूरत है, तो इससे डर आना स्वाभाविक सी बात है, और शायद इस डर की वजह से आज मार्केट गिरा है। इवन कल जब मैंने न्यूज पढ़ ली थी ना, तभी मुझे लगा था कि आज पक्का मार्केट गिरने के चांसेस हैं। दूसरे एक छोटे से रीजन के बारे में बात करूं तो देखिए, आपको रिसेंटली पता चला होगा कि सेबी की जो चेयरपर्सन है माधवी पुरी जी, उनके अगेंस्ट सेबी के 200 से ज्यादा ऑफिशियल्स ने धरना प्रदर्शन किया था, और उनकी डिमांड है कि सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी जी को रिजाइन करना चाहिए। अब देखिए, वैसे तो ये कोई बहुत बड़ी न्यूज नहीं है जिससे मार्केट को फर्क पड़े, लेकिन यहाँ पर बात चल रही है सेबी की, और सेबी पूरे मार्केट को रेगुलेट करता है, और उसकी चेयरपर्सन के अगेंस्ट अगर उसके ऑफिशियली हो जाए तो इससे भी इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में एक नेगेटिव इंप्रेशन बाहर जाता है, और ऐसे में FIIs का जो कॉन्फिडेंस होगा ना मार्केट में वो कम होने के चांसेस होते हैं। तो ये भी मेरे अकॉर्डिंग एक नेगेटिव न्यूज है जो आपको पता होनी चाहिए। अब ये मैंने आपको बेसिक खबरें तो बता दी है जो इंडिया की थी, अब बात करते हैं कुछ ग्लोबल रीजंस की जिनकी वजह से पूरे वर्ल्ड का जो स्टॉक मार्केट है उसके ऊपर संकट मंडरा रहा है। तो इसमें जो सबसे पहला रीजन है वो है US का जॉब डेटा। देखिए, जुलाई का जो जॉब डेटा अगस्त के महीने में आया था उसमें हमें ये पता चला था कि US में जो जॉब ओपनिंग्स हैं वो पिछले 3.5 साल के सबसे लो लेवल पर आ चुकी हैं। अब देखिए, जुलाई में जो हुआ, अगस्त में उसकी रिपोर्ट आई, उसका इम्पैक्ट सेप्टेम्बर में क्यों पड़ेगा? तो उसका इम्पैक्ट सेप्टेम्बर में बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। बात यह है कि अगस्त का जो US जॉब डेटा है उसकी जो रिपोर्ट है वो सेप्टेम्बर में आज फ्राइडे के दिन आने वाली है। अब US में तो अभी फ्राइडे की सुबह ही हुई है, और आज जब US का जॉब डेटा आएगा अगर वो और कम निकल कर आता है तो ये मार्केट के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा, और ऐसे में तो हो सकता है कि मंडे के दिन भी मार्केट क्रैश करे या मंडे के दिन भी मार्केट गिरे। और क्योंकि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस वॉलेटिलिटी के बीच में मार्केट में नहीं रहना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ी वजह है जिस वजह से उन्होंने हो सकता है कि आज सेल ऑफ किया है और इस वजह से भी मार्केट गिरा है। नेक्स्ट, आपको एक और चीज बता देता हूं जो आपको इस महीने और काम आएगी, और वो ये है कि इस मंथ 17 और 18 सितंबर के बीच में US फेड की मीटिंग है। आपने हो सकता है कि इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में कोई रील या मीम देखा होगा जिसमें एक व्यक्ति आते हैं, वो अपनी फाइल्स रखते हैं और उसके बाद सिर्फ कहते हैं गुड आफ्टरनून, और जैसे ही वो गुड आफ्टरनून कहते हैं उसके बाद मार्केट या तो बहुत तेजी से बढ़ने लगता है या फिर बहुत तेजी से गिरने लगता है। ये जो व्यक्ति हैं वो है जेरेमी पोवेल, जो कि चेयरपर्सन है फेडरल रिजर्व बोर्ड के, और वो जो अनाउंसमेंट उस दिन करने वाले होते हैं वो होता है इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड, क्योंकि अगर US में इंटरेस्ट रेट बढ़ते या घटते हैं तो इसका जो इम्पैक्ट होता है वो US डॉलर्स के ऊपर होता है, और US डॉलर पूरे वर्ल्ड में यूज होने वाली सबसे बड़ी करेंसी है, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के जो स्टॉक मार्केट होते हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है।
तो इस मंथ 17 और 18 सितंबर के बीच में फिर से वो मीटिंग है, और इस बार माना ये जा रहा है कि यूएस जो फेड है वो इंटरेस्ट रेट को घटा सकती है। अब इंटरेस्ट रेट का घटना वैसे तो एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज होती है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट घटेंगे तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो पैसा होगा वो स्टॉक मार्केट में ही आएगा, लोग ज्यादा इंटरेस्ट के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। बट प्रॉब्लम यह है कि अगर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट कट किया जाएगा जैसे कि 25 बेसिस पॉइंट का, तो इससे लगता नहीं है कि मार्केट को कोई खास खुशी होगी और मार्केट में कुछ अच्छा होगा, क्योंकि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस बढ़ी हैं। और जिस हिसाब से यूएस का जॉब डेटा निकल कर आया है, यानी अमेरिका में लोगों को नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, ऐसे में इंटरेस्ट रेट का 50 बेसिस पॉइंट तक घटना बहुत कम चांसेस हैं, जिस वजह से मार्केट में अभी अनसर्टेनिटी चल रही है, और जो लोग इस अनसर्टेनिटी से बाहर निकलना चाहते हैं वो अभी स्टॉक मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे हैं, ताकि एक बार मार्केट में स्टेबिलिटी आ जाए तब वो वापस से इन्वेस्ट करेंगे। तो ये कुछ बड़े रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें लगता है कि मार्केट गिरा है। अब ऐसे में अगर आपका पोर्टफोलियो आज डाउन है तो आपको क्या करना चाहिए, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर ये जो छोटे मोटे हिकअप्स मार्केट में आते रहते हैं, आपने इनके चक्कर में अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को नहीं छोड़ना है, उसको आप कंटिन्यू करते रहिए। अगर मार्केट गिर रहा है तो ऐसे में तो इंसान को अपनी इन्वेस्टिंग बढ़ा लेनी चाहिए, लेकिन जनरली लोग करते इसका उल्टा है। बट अगर आप कोई शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लेते हैं, जैसे आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, और ये जो इंसिडेंट्स मैंने आपको बताए इन पर ध्यान रखने की जरूरत है। स्पेशली 17 और 18 सितंबर के बीच में मार्केट से थोड़ा संभल कर रहोगे तो फायदे में रहोगे। बाकी इसके अलावा आपको क्या लगता है कि मार्केट गिरने के पीछे आज क्या रीजन हो सकते हैं, यह हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि बाकी लोगों को भी पता चलेगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।